घुटने के दर्द को ठीक करने में सहायक कुछ यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज घुटने के दर्द से बहुत लोग परेशान हैं। इसके एक प्रमुख कारण तो मोटापा भी है और हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत आहार, व्यायाम न करना, ये इनके प्रमुख कारणों में से है। तो मैं आपको बताऊं, अगर घुटने में दर्द हो रहा है आपको और आप परेशान हैं, तो इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको खान पान में बदलाव का भी बोलूँगी कि आप कोशिश करिए रागी, ज्वार, बाजरा रागी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत है। कैल्शियम की कमी भी घुटने के दर्द का कारण है। और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूँगी कि आप अगर एलोवेरा की सब्जी बना के खाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। एलोवेरा की सब्जी में भी खाने से घुटने के दर्द में आराम आता है। दाना मेथी, और मेरा खुद को कभी हो चुका है, लेकिन मैंने सिर्फ लहसुन खाई दो कली और अभ्यास किया, मेरा उसी से ठीक हो गया। तो मैं आपसे भी बोलूँगी, दो कली लहसुन चबा के खा लीजिए सुबह और अभ्यास कीजिए, आपको भी घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। और इसके अलावा दो, अगर जिनको बहुत अधिक तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ तो बहुत थी, लेकिन मेरा 100% एकदम ठीक हो चुका है। और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर अगर एक चम्मच रात में गर्म पानी या दूध के संग लेते हैं तो वो भी घुटने के दर्द को ठीक करता है। तो चलिए मैं आपको अभ्यास बता दूं क्या करना है। सबसे पहला अभ्यास है, सिर्फ ऐसे बैठ जाएंगे और पंजों को नीचे, ब्रीद आउट, पीछे ब्रीद इन, सिर्फ आगे पीछे श्वास के साथ करेंगे 10 से 15 बार। आप देखेंगे जब पीछे कर रहे हैं तो घुटने के पीछे की साइड में आपको इसके ऊपर असर आ रहा है। तो ये 10 से 15 बार करेंगे, फिर ये 8 से 10 बार इसको करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ऐसे ही दूसरे पांव से आउट इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके साथ रोटेशन भी करना है, ये देखिए, सिर्फ ऐसे दोनों तरफ सर्कल बनाएंगे सीधा और उल्टा गिन के कम से कम 7-8 बार। इस पांव से भी ऐसे ही है, आराम से सांस लेते छोड़ते हुए सर्कल बनाएंगे। और इन अभ्यासों के बाद सिर्फ घुटने को टाइट ढीला करना है श्वास के साथ, सांस भरते हुए टाइट और ढीला, टाइट और ढीला, ये 10 से 15 बार करेंगे, दिन में 2-3 बार करेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है घुटने के लिए। और जो मैं आखिरी बता रही हूँ, ये भी रामबाण है और शायद मेरा इसी से ठीक हो गया था। ये देखिए, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करते हैं ना, ये घुटने के नीचे रख के करना है और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को ऊपर उठा लें, पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ लें और सांस भरते हुए फिर से नीचे ले आए। सांस ऊपर निकालने के बाद रुकना है आपको ब्रीद आउट की स्थिति में। इस पांव से भी ये ब्रीद आउट, पंजे को मोड़ लिया, पूरा पीछे खिंचाव आ रहा उसे महसूस करना है और सांस भरते हुए फिर नीचे ले आए। तो इसको 5-5 बार करना है। ये अभ्यास इतना अच्छा है, आप करिए, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मेरे घुटने के दर्द में आराम आ रहा है, अब मेरा घुटना मुड़ रहा है, फैल रहा है, सब हो रहा है। मैं आपको ज़्यादा अभ्यास नहीं बता रही हूँ। और उल्टी वॉक भी इसमें रामबाण है। उल्टी वॉक मैं अपनी क्लास में रोज कराती हूँ, यानी बैकवर्ड जो वॉकिंग है, आपको उल्टा उल्टा चलना है, तो ये भी आपके घुटने के दर्द के लिए रामबाण है। मैंने जो उपाय थोड़े से बताए, आप करके देखिए, 100% घुटने के दर्द में आपको आराम मिलेगा और ठीक होने लगेगा। जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आप भी हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, प्लीज़ आप लोग करेंगे तो मुझे उसका बेनिफिट तो ये मिलेगा। मैं कोई भी वीडियो कमाने के लिए नहीं बना रही हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मिलना है, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे आप लोग का जो प्यार और आप लोग जो ठीक होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, मुझे उनकी काउंटिंग पढ़ के खुशी मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।